हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू कैच पोकेमोन विदाउट एनी एनिमेशन। सो गाइस, दिस ट्रिक इज़ नॉट न्यू, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रिक, और ये ट्रिक आपको कहीं भी देखने को मिल सकती है। सो गाइस, आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज यू रिक्वेस्टेड मी टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज। आप लोग कमेंट करते रहते हो कि भैया वो पोकेमोन को कैच करने की फास्टेस्ट वे वाली ट्रिक बता दो, तो वो आपको बताऊंगा गाइस। उसमें एनिमेशन स्किप हो जाएगा, बट गाइस मैं ये वीडियो बनाते टाइम ये सोच रहा था कि खाली ये ट्रिक बताना सही नहीं रहेगा। सो गाइस, आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो विद सम मोर ट्रिक्स। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू कैच पोकेमोन इन फास्टेस्ट वे, प्लस व्हेन नो वन। सो गाइज, लिसन वन थिंग, यू हैव टू सी देर इज नो पोकेमोन, देर इज ओनली वन पोकेमोन, एंड हाउ कैन आई शो दिस ट्रिक्स टू यू गाइज। तो भाई, मैं अभी आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसके लिए कम से कम 5-6 पोकेमोन तो चाहिए ही चाहिए, बट यहाँ पर तो कोई पोकेमोन नहीं है गाइज। और 5-6 पोकेमोन के लिए मैं इंसेंस चलाऊँ, ये बात भी अच्छी नहीं है गाइज। मतलब कल एक अच्छा, मतलब स्पॉटलाइट आवर एक अच्छा डे था ये वीडियो बनाने के लिए, बट मैंने वो डे नहीं चूज़ किया। सो गाइज, अब मैं ये वीडियो में कैसे पोकेमोन लेके आऊँगा ये भी आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज, सपोज कभी कभार ऐसा होता है कि यू आर गोइंग टू डू अ मिशन एंड यू नीड वन पोकेमोन विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। सो हाउ वी कैन कम्प्लीट दैट मिशन, तो उस टॉपिक पे भी बात करने वाले गाइज। सो इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग ऑन सो मैनी टॉपिक्स, यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच होल वीडियो गाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। So guys, first of all, I will tell you one thing, that you can store so many Pokemon, so many research in your field research. अगर आप लोगों को ये पता नहीं तो आपको बता देता हूँ guys कि आप लोग बहुत सारे Pokemon को स्टोर कर सकते हैं अपनी फील्ड रिसर्च में guys। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को कम से कम यार एक वीक से ज़्यादा लग गया है, क्योंकि मेरे पास एक यहाँ पर 3 ही पोकी स्टॉप है और इन पोकी स्टॉप पर घूम घूम के थक गया था, ताकि आप लोगों के लिए वो वाली रिसर्च रखूँ जिन रिसर्च में पोकेमॉन्स आते हैं guys। तो अभी अपन चलते हैं फटाफट से फील्ड रिसर्च। सो हेयर वी आर इन द फील्ड रिसर्च, यू कैन सी देर आर ओनली वन मिशन क्लेम रिवॉर्ड। ओके, तो इन दैट क्लेम रिवॉर्ड देर आर सो मेनी पोकेमोन्स, अबाउट 4-5 पोकेमोन आई हैव, मे बी मोर देन 5-6, आई डोंट नो हाउ मेनी, बट आई हैव सो मेनी पोकेमोन्स। सो गाइज, ऐसे करने से क्या होता है कि आप पोकेमोन स्टोर कर लेते हैं। सपोज कोई मिशन आने वाला है, आपको पता है कि इस रिसर्च में स्टेप 3 में गोस्ट टाइप पोकेमोन पकड़ना है, और आपको फील्ड रिसर्च में गोस्ट टाइप पोकेमोन मिल गया है, बट अभी आपका वो मिशन आया नहीं है, तो आप उसको उस दिन के लिए रेडी रख सकते हैं गाइस। तो उस केस के लिए मैं बैठा हूँ। तो अगर आपको याद है कि एक बार थ्रोबैक चैलेंज चल रहा था, और थ्रोबैक चैलेंज में कुछ मिशन थे ग्राउंड टाइप पकड़ना, और ग्राउंड टाइप पूरे एरिया में किसी के पास भी स्पॉन नहीं हो रहा था। तो गाइस हुआ ये कि मैं एक्चुअल में क्या गो बैटल खेल रहा था, और मुझे चल गया था पता ही क्या क्या मिशन आने वाले हैं। तो मैंने क्या किया कि मेरे को सीधे वो लेविटार आ गया रिवॉर्ड में, तो मैंने उस लेविटार को पकड़ा नहीं गाइस, मैंने उसको रखा, और जैसे ही मिशन आया मैंने फिर फटाफट कर लिया। सो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और गाइस एक बात हो रही है, ये वीडियो शायद आपको देखने में थोड़ा लेट मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो अभी मेंबर्स ओनली वीडियो है गाइस। कुछ दिनों बाद मैं एक वीक के बाद उसको पब्लिक कर दूंगा। सो गाइस, जैसे कि आप देखेंगे क्लेम रिवॉर्ड मैंने क्लिक किया गाइस, योर कलेक्शन इज फुल, तो भैया पोकेमोन पकड़ा दो। सो गाइस, कलेक्शन फुल बोल रहा था, तो मैंने वो वीडियो वहाँ रोक दी थी, और मैं कुछ, मेरे को मतलब लगा पता नहीं कि क्या बोल रहा है गाइस, तो मैंने क्या किया कि स्टोरेज चेक किया, स्टोरेज भर गया था गाइस। तो अभी मैंने 2 पोकेमोन हटाए हैं जो कि मतलब काम के नहीं थे। सो कम बैक टू वीडियो गाइस। सो गाइस, हेयर वी आर गोइंग टू शो द ट्रिक हाउ टू कैच अ पोकेमोन इन फास्टेस्ट वे गाइज। तो गाइज, इस ट्रिक में आप देखेंगे कि जो ये फील्ड रिसर्च में है कि मैंने कितने सारे पोकेमोन यहाँ स्टोर कर रखे हैं गाइज। वेन एवर यू गेट अ फील्ड रिसर्च टास्क इन विच अ पोकेमोन विल अपियर आफ्टर कंप्लीटिंग द रिसर्च, यू डोंट नीड टू कैच पोकेमोन एट दैट टाइम, जस्ट क्लिक ऑन द क्लेम रिवॉर्ड एंड रन अवे। For doing this, you will save this Pokemon for further use.
So guys, I have so many Pokemon here, fighting type and many others. So these will help me in completing so many research. But today I will tell you how we can catch a Pokemon in fastest way. तो इस वीडियो में आप फास्टेस्ट वे के साथ साथ आप ये चीज़ भी जान रहे हैं कि फील्ड रिसर्च में कितने पोकेमोन स्टोर कर सकते हैं गाइज। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, बहुत लेक्चर झाड़ दिया मैंने, तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने एक आने वाला है, ये भैया है माकुहिटा। सो गाइज माकुहिटा है, इसकी आप देखेंगे सी बी कैसी है। तो गाइस सबसे पहले देखो इसकी उस ऐसे बॉल पे क्लिक करेंगे ना, गाइस बॉल पे क्लिक करने पे तो सर्कल बनता है। इफ सर्कल इज ग्रीन देन इट मींस इट विल इजीली कैच बाय दिस बॉल, ओके। तो गाइस जैसे कि आप देखेंगे सर्कल जो है इसको हम लॉक भी कर सकते हैं, जैसे ये लॉक हो चुका है गाइस, अभी सर्कल उसमें लॉक हो चुका है। अब इसने अटैक किया, मैंने ऐसे घुमा के फेंका तो सीधे वहीं जाके लगेगा, मतलब सर्कल उतना ही है, वो थ्रो बेकार था अपना, वो इट्स ओके। तो इसको हमने पकड़ लिया क्योंकि ग्रीन था। सो गाइज ये है एनिमेशन वाला तरीका, ठीक है गाइज। इसमें क्या है कि पूरा आपने एनिमेशन देखा, बॉल गई वो, मतलब उसके बाद वो बॉल वहाँ पर ब्लिंक होती है, ये सब होता है, इसको बोलते हैं गाइज एनिमेशन। तो इसकी आई वीज अच्छी है, तो अपना स्पेस थोड़ा कम है तो एक काम करते हैं, चलते हैं वहाँ पर और यहाँ पर हम सर्च करते हैं। तो यहाँ मेरे पास देखिए काफ़ी सारे हैं, देखिए चार, एक तो शाइनी भी अपने पास। तो इसके हम लोग अप्रेजल चेक करते हैं, अप्रेजल क्या है इसका, अप्रेजल ठीक है, इसका तो शाइनी रखना ही पड़ेगा, इसका तो बहुत बढ़िया है और इसका भी ठीक है। तो 337 और 381 में, तो 337 को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं गाइस, बुरा लग रहा बट करना पड़ेगा, मजबूरी का नाम। सो गाइस अभी हमने बताया कि कैसे हम पोकेमोन कैच करेंगे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस कि ट्रिक क्या है गाइस। सो यहाँ पर आप देखेंगे हिटमोनली आ गया, तो इसकी आप सर्कल पे पहले पॉकी बॉल पर क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि ये येलो वाला है। तो इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको बेरीज यूज़ करनी पड़ेंगे गाइस। तो मेरे पास तो बेरीज नहीं है गाइस, तो अपन ये वाली बेरी यूज़ कर लेते हैं, पाइनएप बेरी। तो पाइनएप बेरी यूज़ करने का इतना फ़ायदा नहीं है, हमें रास बेरी यूज़ करनी थी वैसे, तो अभी भारत बॉल भी ब्लू वाली नहीं, तो हम लोग अल्ट्रा बॉल यूज़ कर रहे हैं। तो बॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सर्कल को छोटा कर लिया गाइस, ठीक है। अब क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप देखो गाइस, अब बहुत काम की बात है गाइस, आप मेरी इस फिंगर पे ध्यान दें। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ बेरीज का ऑप्शन है और यहाँ पर है, यहाँ पॉकी बॉल का ऑप्शन है, ठीक है गाइस। अब ये दो ऑप्शन है आपके पास, अगर आप राइट हैंड से खेलते हैं गाइस तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने लेफ्ट हैंड से इस पोकी बॉल को दबाने का है, ठीक है गाइस। जब आप पोकी बॉल को दबाओगे मतलब होल्ड करके इसको खींच के यहाँ लेके आना है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ गाइस एक बार। तो जैसे कि मैंने अभी दबा दिया पोकी बॉल और उसको मैंने खींच लिया गाइस, आपको दिख रहा होगा थोड़ा स्ट्रेच हो गई है पोकी बॉल, अभी खींच रखी है गाइस मैंने। अब क्या करना है, ये मैंने लेफ्ट हैंड से खींच रखी है और राइट हैंड मेरा खाली है, तो राइट हैंड से मैंने पोकी बॉल पकड़ ली है और उसको घुमा रहा हूँ गाइस, ठीक है। और इसको मैंने मिस हो गई गाइस, अब इसको घुमा रहा हूँ गाइस, इसको अटैक करने दो, अटैक कर दिया मैंने, थ्रो कर दिया गाइस, ठीक है। थ्रो करने के बाद गाइस अभी ये ऐसा आ गया, क्लिक किया स्क्रीन पे, ऊपर देखना यहाँ भागने का ऑप्शन आ रहा है, ये अपन भाग लिए पहली फुर्सत में। अब गाइस हम चलेंगे सीधे पोकेमोन पे, पोकेमोन पे जाने के बाद अपन जाएंगे रिसेंट पे गाइस। तो यार रिसेंट में आप देखोगे जो हिटमोनली वहाँ पर था वो हिटमोनली अब हमारे इधर आ चुका है, कोई एनिमेशन नहीं, सारा एनिमेशन स्किप हो गया गाइस, स्किप ऑल द एनिमेशन, और आईवीज भी पलंग तोड़ेंगे गाइस। तो अब क्या काम करेंगे, जैसे कि गरीब लोग हैं तो अब क्या करेंगे, हिटमोनली को सर्च करेंगे गाइस। तो हिटमोनली अपने पास, तो यहाँ पर दो हिटमोनली है गाइस, अब देखो दो, अब इसका भी हम लोग हटा नहीं सकते क्योंकि इसकी इस पर हमने काफ़ी स्टार्टस खर्च कर रखी हैं ऑलरेडी, तो अभी अपन दोनों रखेंगे, फंस गए। तो गाइस अभी हम लोग उसको दोबारा दिखाते हैं, ऐसे टेंशन की बात नहीं गाइस, सिखा के छोड़ेंगे गाइस। तो गाइस मैंने कहा ना कि मेरे सराउंडिंग में कोई पोकेमोन नहीं और मैं कितने सारी पोकेमोन पकड़ सकता हूँ, ये सब मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठे कर रखे हैं। तो गाइस जैसे कि अब ये पोकेबॉल है, इसको पकड़ के खींचने का इधर, ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड से पकड़ो और खींचो, तो ये करेंगे राइट हैंड वाले। अगर सपोज आप लेफ्टी हैं तो आप इस बैरी को होल्ड करके इसको इधर खींचने का है, ठीक है। तो गाइस ये भी करके दिखा देता हूँ, सबसे पहले हम लोग कुछ खिला देते हैं,
और चेक करते हैं कि कौन सी बॉल से पकड़ने में इजी रहेगा। तो ये ग्रीन बॉल से पकड़ सकते हैं, तो मैं अभी राइट हैंड से बैरी को होल्ड करने जा रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू होल्ड द बैरी विथ राइट थम। ओके, मैंने इसको होल्ड किया। नाउ आई एम स्ट्रेचिंग इट टूवर्ड राइट। ओके, सो गाइज यू कैन सी दैट द बैरी इज स्ट्रेच्ड। ओके, अब मैं लेफ्ट हैंड से पॉकी बॉल को स्पिन कर रहा हूँ गाइज। ठीक है, अभी स्पिन हो नहीं रही बट कर रहा हूँ मैं गाइज। उसको मैंने थ्रो कर दिया, ये मैं राइट ही हूँ गाइज। अभी इसको फिर थ्रो कर दिया और ये, अरे चचा फिर थ्रो कर दिया। कहा भैया, फिर थ्रो कर दिया ये गाइज। थोड़ा सा ओके गाइज, हो गया। अब मैं यहाँ से भाग रहा हूँ गाइज, लेफ्ट साइड ऊपर भागने का ऑप्शन था, मैं भाग गया हूँ गाइज। अब बारी चेक करने की क्या वो कैच हुआ कि नहीं गाइज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये हो चुका है कैच। तो गाइज आप देखेंगे इसको, हमने कर लिया है कैच। अब गाइज गरीबी है तो वी विल सर्च, वी विल फाइंड लोटेड। तो यहाँ लोटेड देखेंगे गाइज, यहाँ पर हमारा लोटेड है 330 का भी है गाइज। तो इसकी अभी चेक कर लेते हैं अभी क्या है। तो इसकी अभी अच्छी है, इसकी तो मिडिल फिंगर इसकी, तो इसको हम लोग हटा देंगे गाइज। ठीक है, ट्रांसफर मार देंगे। तो गाइज बहुत सिंपल है, आपको बस जैसे ही आपके सामने पोकेमोन अपीयर हो, बेल्डम, वाओ बहुत ज़रूरत है भैया तुम्हारी। तो यहाँ पर हमने डाली कैंडी बेरी डाल दी गाइज। बैरी डालने के बाद क्या होता है कि अब जो भी बैरी है, ताकि मतलब श्योरिटी होनी चाहिए कैच करने में। ठीक है, तो इसको तो मैंने ऐसे स्ट्रेच किया और ये घुमाया और ये थ्रो कर दिया गाइज। ठीक है, उसके बाद क्लिक किया स्क्रीन पर और ये पहली पर्सन में भाग लिए। अब क्या चेक करना है कि इसकी आई बी क्या है गाइज। वेरी सिंपल गाइज, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट मज़ा आएगा ये वीडियो आप देखिए गाइज। तो मेरे ख्याल से अब हर एक बंदे को ये ट्रिक आ गई होगी गाइज, हाउ टू कैच पोकेमोन इन द फास्टेस्ट वे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एवन एसडी गाइज, बाय बाय, टेक केयर।